हेलो प्रताप काले, बोलो। ऐ, लड़कियों की चिंता नहीं, 200 की जगह 500 लड़कियों को भेजने की ताकत रखता हूं मैं, लेकिन फिक्र है तो उन पैसों की, वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। 10, 20, 50 करोड़ ले सकता है तू, लेकिन बाकी का बैलेंस मेरे पास सेफली पहुंच जाना चाहिए। ए, कौन तू, किसका पैसा? मेरा। न तो किसी नोट पे तेरा नाम है, न ही फोटो छपा है, फिर भी वो मेरा है। ये सब मैं गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताकर ले जाए इसे। ए, गणेश सर, कई दिनों से खुफिया तरीके से हमारे राज्य में स्मगलिंग चल रही थी, जो गणेश जी की वजह से आज सामने आई है। ये बात पूरे कर्नाटक पुलिस के लिए गर्व की बात है। क्या आप इस ऑपरेशन से खुश हैं? 100% श्योर। कर्नाटक पुलिस का नाम पूरे देश में मशहूर है, और आज गणेश की वजह से उसमें और 4 चांद लग गया। पूरे डिपार्टमेंट का काम आज गणेश ने अकेले कर दिखा। सॉरी सर, इसके पीछे एक सरकारी कर्मचारी का भी हाथ है। इस इज्जत का सही हकदार वही है। वो कौन है सर? टाइम आने पर बता दूंगा। इस ऑपरेशन में कुल कितनी लड़कियां मिली हैं सर? वो कौन है, कहाँ की है, आपको कुछ पता है सर? लगभग 48 लड़कियों को हमने बचाया है। उनके परिवार वालों का पता लगाकर हम उनके हवाले करने का इंतजाम कर रहे हैं। सर, इस ऑपरेशन में कितना पैसा सीज हुआ है, वो किसका है, और इसके पीछे कौन कौन है, इसका कुछ पता लगा है? जिसने भी ये काम किया है उसने दूसरों के नाम का सहारा लिया है। इस ऑपरेशन में हमने काफी लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। अगर इन पैसों का कोई हकदार नहीं मिला तो होम मिनिस्टर से बात करके मैं प्रेस के सामने जरूर लाऊंगा। आज के मुख्य समाचार। गणेश के कारनामों से इस राज्य की जनता बहुत खुश है। मासूम नाबालिग लड़कियों को बचाया इंस्पेक्टर गणेश ने, साथ ही साथ उनके हाथ लगभग 250 करोड़ की ब्लैक मनी भी लगी है। इस कामयाबी के लिए इंस्पेक्टर गणेश की होम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की है। गणेश जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे सरकार की भी प्रशंसा हुई है। उम्मीद है वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ आवर कर्नाटका पुलिस। गणेश की वजह से ही हमारी सरकार 270 करोड़ की ब्लैक मनी सीज करने में कामयाब हुई है। हमारी सरकार ने ये तय किया है कि वो सारा पैसा जनहित के कार्यों में लगाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर गणेश। हर रोज न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, मीडिया के लोग हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे, हमारे कामों में गलतियां ढूंढते थे, और तालियों की जगह गालियां मिलती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम तुम्हारी वजह से आज पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी शानदार इज्जत मिली है। थैंक यू सर। सर, लोग मेरी तारीफ करें या ना करें, मैं अपना काम करता रहूंगा। तुम्हारे जैसा पुलिस ऑफिसर हमारे देश के हर एक राज्य के हर एक जिले में हो तो हमारे पुलिस का इमेज कुछ और हो जाएगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर गणेश। थैंक्स अ लॉट सर। एक बात और है, कमिंग जनवरी 26 रिपब्लिक डे को CM साहब फ्लैग होस्टिंग करेंगे। उस परेड प्रिपरेशन का काम मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को सौंपता हूँ। आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेल। श्योर सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, तुम जा सकते हो। ओके सर। सर, रेड रेड बॉक्स एंड रवि ऑर्डर बाय द सेंटर।
वेरी गुड। आप लोगों की आज की परेड बहुत ही शानदार थी। जनवरी 26 तारीख को आपका डिसिप्लिन इसी तरह से रहेगा, यही उम्मीद है। मैंने आपसे एक बात कही थी, जब तक शेर के निशान वाली कैप आप लोगों के सर के ऊपर है, आप लोग फर्ज से पीछे नहीं हटोगे। आज आप लोगों ने यह साबित किया है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे शहर की ये पुलिस हमारे पूरे देश में नंबर वन की जगह ले, यही मेरी इच्छा है। मिस्टर गणेश, रिमूव योर कैप। सर, तुम सच्चे पुलिस ऑफिसर नहीं हो, यू आर अ फेक आईपीएस ऑफिसर इन कर्नाटक। रिमूव योर कैप। ऑफिसर, रिमूव हिज फ्लैप्स। मिस्टर अरुण, अरेस्ट हिम। चौबीस घंटे के अंदर गणेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसके लिए केस की फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। यस सर। नमस्ते, प्रजा न्यूज में आपका स्वागत है। अब मुख्य समाचार। रिपब्लिक डे के दिन होने वाली परेड की प्रैक्टिस करते समय परेड ग्राउंड से शहर के पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर जी ने कई ऑफिसर्स के सामने परेड को आयोजित करने वाले होनहार पुलिस ऑफिसर गणेश को अरेस्ट किया। ये सबको चौंकाने वाली बात है, और उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है, ये हमें अभी अभी वीडियो मैसेज के जरिए पता चला है। सच क्या है ये जानने के लिए हमें मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब मैं उसे बताऊंगा कि प्रताप काले क्या है। ये देखना है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गणेश जी के अरेस्ट होने के बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी। अरे, गणेश जी को अरेस्ट कर लिया गया है, मैंने अभी रेडियो में सुना। योर ऑनर, गणेश नाम का ये शख्स पिछले 7 महीने 12 दिनों से नकली आईपीएस बनकर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए आज उसे कोर्ट में हाजिर किया गया है। मिस्टर अशोक नायक, इस बारे में आपको कुछ कहना है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जैसा कहा, ये शख्स मिस्टर गणेश के नाम से हमारे इलाके में नकली आईपीएस बनकर काम कर रहा था। हमें सीबीआई से पता चला कि सेंट्रल से अपॉइंट किए गए अर्जुन की जगह ये महाशय काम कर रहे थे। मिस्टर गणेश, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस वक्त कुछ कहूँ या ना कहूँ, सच्चाई एक दिन आपके सामने जरूर आ